नमस्ते व्यूअर्स मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं जिम जिम रिव्यूज चैनल इस वीडियो के के अंदर मैं एक फिटनेस इक्विपमेंट बारे में बात करने वाला हूं जो कि एक होम जिम पर्पज के लिए बहुत ज्यादा मस्ट नीडेड है तो ये है टू इन वन एडजस्टेबल डम्बल एंड बार्बल किट मीन्स की एडजस्टेबल डम्बल भी बन सकता है और एडजस्टेबल बार्बल में भी कन्वर्ट हो सकता है तो हम अपने जिम के लिए अपने स्पेशली अपने होम जिम के लिए जो बेडरूम के अंदर है बालकनी के अंदर है या फिर टेरिस पे तो कुछ ऐसा ही एक कॉम्पैक्ट और

दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल्ड व्यू देने वाला हूं तो स्टेट यूड तो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स ये है एडजस्टेबल डंबल एंड बार्बल किट विथ एक्सटेंशन रॉड तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स आए हैं जो बॉक्स से निकालने के बाद मेरे को मिले इसे मैंने सब असेंबल करके दो डंबल्स के फॉर्म में बना के रखा हुआ है तो ये एडजस्टेबल डंबल्स दो बन जाएंगे आपके और एक एक्सटेंशन रॉड आई है जिसकी वजह से अगर आप इसको ये साइड एंड में दोनों लगा दोगे तो फिर ये पूरा बार्बल की तरह इसकी लेंथ बढ़ जाएगी पूरे यूनिट की और आप इसे बार्बल की तरह भी यूज़ कर सकते हो तो मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे कम, कम डम्बल को जब मैंने निकाला बॉक्स से तो क्या क्या आया इसके साथ तो मैं बता दूं आपको कि दो, दो तो हैंडल है नॉर्मली ठीक है ये लोडेबल हैंडल्स हैं जिसके ऊपर प्लेट्स मैंने लगा रखी हैं टोटल आठ वेट प्लेट्स आई हैं जो दो दो किलो की हैं एक प्लेट दो किलो की है इस पर लास्ट में आपको प्रिंट होता हुआ दिख रहा हुआ कि टू के जी पर लिखा हुआ है ताकि आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाए और वेट मैथ कर पाएं कि कितनी कितनी प्लेट्स आपको दोनों तरफ लगानी है ताकि आपका डम्बल रिक्वायर्ड वेट का बन जाए तो और इसके अंदर आपको देखने को मिले चार कॉलरस आए जो प्लास्टिक के ही हैं ये काफी ईजिली चढ़ गए क्योंकि इसकी जो यहाँ पे चूड़ी देख रहे हैं ना आप ये अच्छी बनाए रखी है तो फटाफट ये फास्ट एडजस्टेबल डम्बल मेरे को लगे दूसरे डंबल से जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ना उसके आप ये बारबल कॉलर घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो बहुत देर के बाद जाके वो लास्ट एंड तक लगता है जहाँ पे प्लेट फिक्स हो जाती है तो ये डंबल के कॉलर्स काफ़ी क्विक लगे जिसका मैं जो उसका बेनिफिट बोलूँगा ना वो इसको इसको जो मिला है वो इसके हैंडल से मिला है तो हैंडल अच्छा है ठीक है ये आपको कलरिंग्स पर देखने को मिल जाती है ठीक है रबर ग्रिप ही दी गई है और रबर ग्रिप के ऊपर भी नलिंग कर रखी है तो आपको ग्रिप भी अच्छी देखने को मिलेगी Uh, तो हैंडल से मैं इम्प्रेस दूँ कोई ग्रिप में uh, कुछ भी उन्नीस बीस नहीं जैसे स्टील बारबल की ग्रिप होती है ना उतनी ही अच्छी या फिर उससे थोड़ी कम अच्छी है बट इतना चल जाएगा आपके पास तो और ये पीवीसी प्लेट्स आपको टोटल आठ देखने को मिली दो किलो की एक प्लेट मैंने आपको बता दिया था तो टोटल वेट हो गया इसका uh, चार आठ uh, सोलह वेट सोलह किलो का वेट हो गया और डंबल हैंडल का वेट भी अगर आप लगा लीजिए कॉलर के साथ तो दो किलो का हो जाएगा तो दस दस किलो के यहाँ पे दो डंबल आपके तैयार हो जाते हैं प्लेट्स के अंदर आपको ये चार आ, होल्स देखने को मिल जाते हैं अब ये एस्थेटिक फील्ड के लिए ही दिए गए हैं बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है आ, और अगर आप ये मोस्टली आपने दूसरी जो प्लेट्स देखी होंगी ना ओलंपिक वाली उसके अंदर होल्स होते हैं ताकि आप उसे ग्रिप करके दूसरी जगह तक लेके जा सकें तो इसके अंदर बस इतना सा होल है तो बस मैं एक अपनी फिंगर डाल सकता हूँ तो मैं प्लेट्स को ऐसे उठाऊंगा नहीं उठाने के लिए इसमें एक अगर आपको थोड़ा दो किलो हैवी लगता हो या फिर आप कभी आपके स्वेटी हाँ, हैंड्स हो रहे हैं और आपके प्लेट फिसल जाए आपके हाथ से तो वैसा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ ने तो जितनी भी कोर डंबल्स की प्लेट्स देखी होंगी ना जो पीवीसी में ही आती हैं तो उनको देखा होगा बिल्कुल तो ब्लैक कलर का पॉलिस सर्फेस होता है बट यहाँ पे आप एक फिनिशिंग देख पा रहे हैं जो यहाँ पे दाने दाने दे दिए गए हैं जो इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है तो अगर इन केस अगर मैं वर्कआउट करते करते मेरे हाथ पूरे पसीने में हो जाए तो मैं इस प्लेट को उठा के या फिर डम्बल को मैं एज एन ऐसे उठा के इधर से उधर रख सकता हूँ तो उस केस में ये स्लिप नहीं करेंगे ठीक है और फिर आपको एक कनेक्टिंग रॉड दे दी गई है जिसे एक्सटेंशन रॉड भी कहते हैं ये इस मेटल की है क्योंकि मैंने इसे लगाया तो इस उपर इसके अंदर एक मेटल पीस है ऊपर इसके ऊपर एक फोम सा दे दिया गया है ताकि आगे जब आप इसे स्क्वाट्स में अपने कंधे के ऊपर रखें तो आपको एक एक स्टेबल और एक कंफर्टेबल फ्लोर मिल जाए ठीक है आपके ऊपर रखने का तो और कोई इम्पिंचमेंट आपके शोल्डर में ना हो बाकी यही है डम्बल दोनों यूनिट बन जाती हैं दोनों के दोनों दस किलो के एडजस्ट हो जाते हैं मैंने अभी इसे वेइंग स्केल पर नहीं रखा बट मैं एक अप्रोक्सिमेशन आप आपको दे रहा हूं कि दस दस किलो के दोनों बन जाते हैं दस किलो से ऊपर आप इसे नहीं लेके जा सकते और मिनिमम अगर आप एक एक प्लेट भी डालेंगे तो चार किलो की दो प्लेट्स हो गई और दो किलो का हैंडल मान लीजिए तो आ, चार और छः किलो का डंबल ये लीस्ट टू लीस्ट बन जाता है उसके ऊपर आपको जाना है तो सिर्फ दो वेट वेरिएशन दो इंक्रीमेंटी में आपको मिलेंगे कि चार किलो या तो आप छः किलो का बना लीजिए या तो आप सीधे दस किलो का बना लीजिए उसके बाद अगर आप एक भी प्लेट इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे जैसे मान के चलिए कि ये दो किलो की प्लेट है इतनी मोटी थिकनेस की प्लेट है नॉर्मली होती नहीं है स्टील प्लेट या फिर रबर प्लेट इतनी मोटी आप इसमें रोड़ी बज रही है तो फिर इसकी डेंसिटी बढ़ गई है ठीक है तो इसलिए इतनी मोटी बनी है अब इसके अंदर मैं तीसरी वेट प्लेट सोचिए कि मैंने इस डम्बल की प्लेट इसके अंदर डालना चाहिए और मैंने इसी डंबल को हैवी बनाना चाहता हूं तो नहीं होगा तीसरी वेट पे डालते ही ये पूरा एरिया ये घेर लेगा और अगर आप इस डंबल के अंदर कॉलर नहीं लगाओगे तो ये प्लेट पक्का एक तरफ से निकल जाएगी तो कॉलर लगाना जरूरी है तो कॉलर के लिए यहाँ पे इतना एरिया बचा हुआ है तो सोचिए कि इस इसके अंदर तो तीसरी प्लेट आ नहीं पाएगी तो ये आप दस किलो से ऊपर लेके नहीं जा सकते ये बेसिक डम्बल है फॉर होम जिम वर्कआउट तो जिसकी स्ट्रेंथ लगभग लगभग दस किलो के डंबल उठाने तक की है तो वो उनके लिए ये डम्बल बेस्ट है बाकी उससे ऊपर जाने के लिए तो ये अपग्रेडेबल ऑप्शन के अंदर नहीं आता आपको एक बार ही खरीदोगे और एक बार ये दस किलो तक का, का वेट आपका सेट होकर रह जाएगा नाउ नेक्स्ट आपने देख लिया एडजस्टेबल डंबल्स कैसे दिखते हैं बट एडजस्टेबल बारबल भी है ना ये यूनिट तो अब मैं बताऊंगा कि दो दो वेरिएशन के अंदर ये बारबल कैसे कैसे एडजस्ट हो जाता है तो मैं आपको असेंबल करके दिखाता हूं कि बारबल कैसे लगेगा देखिए तो ये एक एडजस्टेबल बार्बल की वेरिएशन है जो आप देख रहे हो आपने फोटोज़ के अंदर भी दिखा हुआ कि ये ऐसे ही प्रमोट किया जाता है तो इसमें कुछ नहीं हुआ है दोनों दोनों एडजस्टेबल बार डम्बल्स मैंने साइड में लगा दिए बीच के अंदर एक एक एक्सटेंशन रॉड लगा दिया है जो इसको पूरा कंप्लीट बार्बल बना रहा है मेरे पास यहाँ के कॉलर्स निकाले हैं दोनों तरफ के जो आपने असेंबल करते हुए देखा अब क्या ये डिज़ाइन प्रैक्टिकल है कि नहीं है अब देखिए अगर मेरे को क्लोज ग्रिप बाइसैप कर्ल्स लगाने तो मैं आराम से लगा सकता हूँ बट अगर मेरे को वाइड ग्रिप लगानी है तो मेरे को ना कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं यहाँ से पकड़ूंगा मेरे को सीधे बस डंबल हैंडल को ही पकड़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इतनी पास से पकड़ लूँ या फिर मेरी अगर हाइट के अकॉर्डिंग मेरे अगर क्लो uh, uh, एक नॉर्मल ग्रिप अगर मेरे इसके ऊपर आ रही है ना तो मैं नॉर्मल ग्रिप ले नहीं सकता बाइसेप कर्ल्स के अंदर तो फिर मेरे को थोड़ा दूर से ही पकड़ना पड़ेगा स्क्वाट्स करने में भी अगर मैं अगर आपके शोल्डर्स बड़े हैं मेरी तरह तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा और हो सकता है इसकी प्लेट्स आपके शोल्डर के ऊपर टच भी हूं तो तब भी प्रैक्टिकल डिजाइन मेरे को ये नहीं लगता तो इस एडजस्टेबल बारबल वेरिएशन करना ना इसकी फंक्शनैलिटी और सब कुछ लिमिटेड है बहुत ज़्यादा आप इसको डंबल कल्स के लिए भी बहुत लिमिटेड यूज़ कर सकते हो स्क्वाट्स के अंदर आपके ये थोड़ा लगेगा और अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो फिर भी ये मेरे को लगता है प्लेट्स आपके चेस्ट के ऊपर दोनों तरफ लगेंगी अगर आप बेंच पे लेटे हुए हो तो इस डंबल वेरिएशन के अंदर ना इसकी फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा लिमिट लिमिटेड हो जाती है अब इसकी फंक्शनैलिटी अगर आप थोड़ी सी बढ़ानी है ना आपको तो ये दोनों प्लेट्स निकालनी पड़ेंगी जिसके लिए आपको नेक्स्ट एडजस्टेबल जो बार्बल है इसके वेरिएट के ऊपर जाना पड़ेगा जिसमें मैं दोनों प्लेट्स निकाल देता हूँ तो मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ फिर कैसे दिखता है ये तो ये तैयार हो गया हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट वेरिएंट जो बारबल का है ठीक है इसको एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे को लगता है एडजस्टेबल डंबल्स तो तक तो सही है ना बट जब आप एक्सटेंशन रॉड इसके अंदर लगा देते हैं और घुमाते हैं तो एक दूसरी तरफ से कॉलर ढीला पड़ जाता है तो आपको कॉलर कॉलर भी बहुत ज़्यादा टाइटली आपको बांधना पड़ेगा तब जाके ये दोनों तरीके से हो सकता है और मेरे को लगता है ये तो एक बार अगर आपने यहां से बांध दिया ना तो ये तो घूमेगी नहीं तो आपको नेक्स्ट ये वाला हैंडल घुमाना पड़ेगा दूसरी तरफ से इसको लगाने के लिए अब बात कर लेते हैं ये हो गया आपका पूरा बारबल तैयार अब आपको इनफ रूम मिल जाता है आप कोई भी ग्रिप इसके ऊपर ले सकते हैं ठीक है ये फोम है तो आप इसको पकड़ा पकड़ लीजिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ये यहाँ पे नर्लिंग दे रखी है प्लास्टिक के ऊपर ही भी तो ये भी ज़्यादा अच्छी ग्रिप देती है आपको अब बात कर लेते दो प्लेट्स इधर लग रही हैं दो प्लेट्स इधर लग रही हैं इससे ज्यादा प्लेट्स आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते तो आपकी चार प्लेट्स इस समय खराब हो गई हैं आप थर्ड प्लेट इसके ऊपर नहीं लगा सकते क्योंकि इतना इनफ रूम नहीं है कि प्लेट लगाइए और फिर आप उसके ऊपर कॉलर भी लगा दीजिए उसके और कॉलर लगाए बिना ये, ये यूनिट सक्सेसफुल है नहीं है तो कॉलर्स तो आपको यूज करने ही पड़ेंगे इसलिए दे रखे हैं साथ में तो दो कॉलर्स वहां पे चले गए जो यहाँ से हटे थे ठीक है तो ये टोटल वेट हो गया अब चार किलो आठ किलो और मान के चलिए कि एक एक किलो का ये ले लेते हैं तो दस किलो और दो किलो का ये ले लेते हैं तो बारह किलो का बन गया आपका पूरा ये वाला बारबल ठीक है इसे आप रिड्यूस करना चाहें तो बारह किलो में से अगर आप दो एक एक प्लेट यहां से निकाल दीजिए तो हो गया आठ किलो आठ किलो से ठ किलो का एक आप वेट एडजस्टमेंट कर सकते हैं सीधे बारह किलो का कर सकते हैं फिर आप कोई भी एक्सरसाइज इसके ऊपर लगाइए अब आप इसको स्क्वाट्स के लिए लगाइए तो आप थोड़ी सी ग्रिप आपको पूरा इनफ रूम मिलेगा शोल्डर पर रखने के लिए आप इसे बेंच प्रेस के लिए लगाइए तब भी आपको इनफ रूम मिलेगा आप ग्रिप ले सकते हो तो उस ये वाला एडजस्टमेंट वेरियंट बिल्कुल सही है इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली फॉर होम जिम पर्पजेज जिसकी अभी अभी नई स्ट्रेंथ या फिर जिसने अभी जिम करना जब शुरू ही करा हुआ है और वेट ट्रेनिंग के अंदर वो आना चाहता है तो उसके लिए काफी अच्छी यूनिट है फॉर अ स्टार्टर अंडर थाउजेंड रुपीज इससे

इसकी है, बट आप जब इसे बना लेंगे, कभी मैं कि एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है और बहुत ज्यादा थकान हो जाती है ये सब चीजें निकालो एक, एक लगा के रखो तो मैं तो अपने एडजस्टेबल डंबल्स को या फिर इसको बारबल को ना बना के पहले ही रखूंगा उसके बाद में मेरे से नहीं होता कि मैं बार बार एडजस्ट कर पाऊँ तो एडजस्टेबल डम्बल चाहिए आपको बेस्ट यूनिट है एडजस्टेबल बार्बल के लिए आपको एक बार सोचना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ 10 12 किलो का पूरा बार्बल तैयार है बट और जो ओलंपिक बार्बल आता है आपको बताइए वो 20 के का होता है तो फिर इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते तो फॉर एडजस्टेबल डम्बल मस्ट येस फॉर एडजस्टेबल बार्बल यू हैव टू थिंक ट्वाइस की अगर आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए अगर आप काफी ज्यादा छोटे हैं सोलह सत्रह साल के हैं तो मेरे को लगता है कि ये अच्छी चीज है या फिर अभी नई नई आपने जिम करना शुरू करी है तो और आपका जिम बंद हो गया है तो फिर होम जिम वर्कआउट तो ये परफेक्ट यूनिट है बट अगर आपको रेगुलरली होम जिम पे ही ट्रेनिंग करनी है और स्ट्रेंथ बढ़ानी है मसल गेन करना चाहते हो आप घर में रह के ही तो फिर ये लिमिटेशन क्रिएट कर देगा एक टाइम पे आने के बाद तो आपको उस टाइम पे सोचना पड़ेगा कि आपको ये रखना है या फिर आपको किसी दूसरे इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना है है और मैं समझता हूं कि एडजस्टेबल जहां पे नाम आ जाता है ना तो वो uh... आप चाहते नहीं हो कि एक चीज़ पे टेके रहो वो चीज़ आपके साथ ही अपग्रेड होती रहनी चाहिए आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो बट यहाँ पे एडजस्टेबल के नाम पे लिमिटेशन है कि आप दो प्लेट्स ज़्यादा एक तरफ नहीं लगा पाते अगर इसका डंबल हैंडल कंपनी बड़ा कर देना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा सबके लिए और ये और ये मैं कहता हूँ कि लाखों यूनिट्स इसकी ऑनलाइन बिक जाएंगी बट अगर डंबल हैंडल अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो आप इसके ऊपर ज़्यादा प्लेट्स एड नहीं कर सकते और प्लेट्स आप अलग से ऑर्डर भी नहीं कर सकते आपको ये टोटल छः आठ प्लेट्स मिल रही हैं उसके अलावा आप ऑर्डर नहीं कर सकते तो सो दिस इज ऑल अबाउट एडजस्टेबल डम्बल एंड बाबल किट आई होप मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हूं इस होम जिम इक्विपमेंट के बारे में क्या इसके कुछ पॉजिटिव या फिर क्या इसके कुछ नेगेटिव हैं तो फॉर एन एडजस्टेबल डंबल अगर आपको पीवीसी ही डम्बल्स लेने क्योंकि वो सस्ते आते हैं तो आप इस डोमेन में इन डंबल्स के ऊपर जा सकते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी इसकी जो हैंडल क्वालिटी रबर क्वालिटी और इसका जो आप ये स्क्रूज देख रहे हैं साइड के ऐसे इस क्वालिटी के स्क्रूज और इस क्वालिटी के कॉलर ने आपको कोई भी पीवीसी डंबल दूसरा वाला देने रहा तो आप ये खरीद लीजिए पूरी यूनिट और आपको इसको पीवीसी डंबल बना के रखिए आप सिर्फ एडजस्टेबल डंबल की तरह से यूज करिए तो बहुत अच्छा है ठीक है अगर आपको बार्बल बनाना है तो मैंने आपको बता दिया कि ये वेट वेरिएशन जो है एडजस्टमेंट बार्बल का ये सबसे बेस्ट है इसमें आप सारी चीज एक्सरसाइजेस मोस्टली कंफर्टेबली कर सकते हैं सो दिस सम्स अप दिस वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए मैं नेक्स्ट होम जिम इक्विपमेंट को जल्दी लेकर आने वाला हूँ मैंने ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं अमेजॉन पर जैसे वो आते हैं मैं फिर उनकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपके सामने पूरा रिव्यू लेकर आऊंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वेबसाइट भी है मैन स्कॉट्स डॉट कॉम जहाँ पर दो साल से बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स डाल रहा हूँ मैंने और भी जो इक्विपमेंट रिव्यू करें जिनकी वीडियो अभी आना बाकी है तो आप सो अगर उनका रिटर्न कॉन्टेंट आपको देखना तो आप उस साइट पर जाकर मैन स्कॉट्स डॉट कॉम पर जाकर आप ब्राउजर uh, में लिखेंगे आपको मिल जाएगी और सारे आप आर्टिकल सर्च कर सकते हैं टिल देन मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई दूसरा जिम इक्विपमेंट रिव्यू करते बाय बाय